नगर पंचायत ब्रजमनगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पर डॉक्टरों की घोर लापरवाही और गैर मौजूदगी से नवजात शिशु की मौत हो गई। आपको बता दें कि प्रदीप कुमार भारती की पत्नी शीला देवी नगर पंचायत ब्रजमनगंज देवगढ़ में शाहबाद निवासी, जो कि गर्भवती है, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रजमनगंज में सुबह 8 बजे भर्ती कराया गया। परिजनों का कहना है कि भर्ती के दौरान अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। एनएम स्वर्णलता ने उनका हल्का फुल्का ट्रीटमेंट किया, अपने काम में व्यस्त हो गई। महिला दर्द से कराह रही थी। उसके बाद उसका ड्यूटी खत्म होने के बाद अंशुमन चार्ज लेती है। 3 बजे के करीब बच्चे का जन्म होता है, जिसमें एवं सुमन द्वारा लापरवाही बरतने के कारण बच्चे की जान चली जाती है। बच्चे के पिता ने बताया कि डॉक्टरों के पास में कॉल करता रहा और उन्होंने फोन नहीं उठाया और कोई भी डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं रहा। यहाँ तक कि दवा भी मौजूद नहीं थी। मुझे बाहर से 34 दवाइयाँ नर्स ने लाने को कहा, जिसके बाद मैं बाहर से दवा लेकर आया। समाज सेवी नगर पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार विनोद जायसवाल, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राहुल शर्मा मौके पर पहुंचते हैं और परिजनों से पूछताछ करने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक सुशील गुप्ता से बात करते हैं। 8 बजे आए भर्ती एम्बुलेंस के पास कॉल किए तो एम्बुलेंस यहाँ पे ले गया है। 8 बजे मुझे लेकर आया यहाँ पे, तो यहाँ कोई ना डॉक्टर था ना कोई सेवा हुआ। मेरी बीवी को चिल्लाती रही, रोती रही, फिर भी ना दवा हुआ ना कुछ हुआ। हम बाहर पे जाके 4 इंजेक्शन लेकर आए, तब उसको दवा लगाना। जिसका ड्यूटी था वो भी नहीं आया, जिसका ड्यूटी था वो भी नहीं, मोबाइल चलाने में व्यस्त थी, देखभाल भी नहीं उसको, ना टच की ना कुछ भी की। और मेरा बच्चा जब डिलीवरी हुआ, कितने बजे हुआ था? 3 बजे। क्या बात हुआ, सांस उसका चल रहा था। हम लोग डॉक्टर के पास फोन किए, डॉक्टर आया भी नहीं ना कॉल उठाया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।